हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे यूट्यूब चैनल कढ़ाई लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम थोड़ा प्राचीन इतिहास के बारे में कुछ जानेंगे। देखिए, सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता का समय आया। वैदिक सभ्यता का जो समय है 1500 BC से 1000 BC माना जाता है। दोनों सभ्यताओं में अंतर है काफी, जैसे कि वो नगरी थी, सिंधु सभ्यता नगरी थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी, ये ग्रामीण है, वो अलग विषय है। दोनों में अंतर जो है अलग विषय है, तो फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी देखिए, वैदिक काल में जो नदियां हैं इनके क्या नाम थे उस समय, जो इनके नाम उस समय के प्रचलित है, तो वर्तमान नाम है, उस समय के जो नाम थे वो हम जानेंगे। देखिए, सिंधु का नाम सिंधु ही था, व्यास, विपासा, झेलम, वितस्ता, सतलज, सतुद्री, रावी, परशु, चिनाब, आस्किनी, गंडक, सदानीरा, काबुल नदी का नाम था उस समय कुबरा, और स्वात का था सुवासपुर। ये दोनों नदियां अफगानिस्तान प्रवाहित होती थी, दोनों अफगान में थी, तब भी यही सारा वैदिक काल का पूरा एरिया था। और वैदिक काल का जो प्रमुख ग्रंथ है वो था ऋग्वेद। वैदिक काल का प्रमुख ग्रंथ था ऋग्वेद, और ऋग्वेद में 40 नदियों का नाम है उल्लेख मेंशन किया गया है, 40 नदियों का नाम। सबसे बार सिंधु और सरस्वती का उल्लेख है। सरस्वती का सिंधु इनकी प्रमुख नदी थी और सरस्वती इनकी सर्वश्रेष्ठ नदी मानी गई, सर्वश्रेष्ठ नदी मानते थे आर्य वैदिक आर्य। और सरस्वती को नदी की मां सर्वश्रेष्ठ नदी कहते थे। और इतनी बातें आपने जानी। इसके अलावा यमुना का उल्लेख, इस काल में यमुना का उल्लेख सिर्फ 3 बार है और गंगा का उल्लेख सिर्फ 1 बार है। यानी वैदिक काल का जो प्रमुख ग्रंथ है ऋग्वेद, उसके अनुसार 40 नदियों का नाम है जिनमें सिंधु सरस्वती मेन थी, 12 उल्लेख है इनका। सिंधु इनकी सबसे प्रमुख नदी थी और सरस्वती जो है सर्वश्रेष्ठ नदी थी। सिंधु सरस्वती को नदी तिमा भी कहा जाता था। और ये नदियां रही इनको, इनके जो प्रचलित नाम थे उस समय, तत्काल के दौर में, पुराने समय में, ये इनके प्रचलित नाम थे। आयो आपको इतना जितनी जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल से जुड़िए। तो मिलते हैं फिर आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।